ओके गाइस, निसान GT-R आ चुकी है गैरेज में। सबसे पहले भाई इसकी कलर चेंज कर देते हैं रेड की। ओके गाइस, तो ये बिल्कुल एक मस्त सी रेड कलर इस पर लग चुकी है। अब सबसे पहले इसमें भाई किट्स लगाते हैं। किट्स भाई सारे मैक्स लेवल के लगाऊंगा। तो मैं ये बाई कर रहा हूँ 130 कॉइन्स की, ये वाली इसे बाई कर लेते हैं 130 कॉइन्स की। उसके बाद ये भाई अपना रियर के लिए, रियर में भाई जाएगी कौन सी, रियर के लिए ये वाली बम्पर रहेगी, इसे 130 कॉइन्स की। ये भी इसे बाई कर लेता हूँ, काफ़ी सारे कॉइन्स खर्च होने वाले इसमें तो भाई। हाँ, तो ये साइड के लिए है, साइड में भाई कोई अच्छी सी 90 कॉइन की ज़्यादा सही है, काफ़ी हद तक एक्सटेंड है, इसे बाई कर लेता हूँ। उसके बाद भाई मतलब बोनेट, हाँ जी बोनेट के लिए कौन सी वाली लूँ, ये वाली नहीं, ये भी नहीं। हाँ तो मैं बोनेट बिल्कुल सिंपल रखने वाला हूँ ये, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइनिंग होगा इसलिए इसे यही रखूँगा। बाकी ये ऊपर में तो रेड सही है लगी हुई, इसे मैं चाहूँ तो ब्लैक कलर का कर देता हूँ। उसके बाद ये साइड वाला कुछ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, साइड वाला नहीं चाहिए भाई, बस हो तो गया। और एक स्पॉइलर, स्पॉइलर तो भाई पहले से लगा हुआ है इसमें। ओके गाइस, मैंने इसके लिए अच्छे से एलॉय भी इसके लिए डिसाइड कर लिया, ये वाली सही है, इसे बाई कर लेता हूँ। ओके, अब इसमें भाई स्टॉप लाइट्स भी लगाई देता हूँ, उसका डिज़ाइनिंग का काम सबसे लास्ट में। स्टॉप लाइट्स कुछ इस तरीके से डबल वाले लगाऊंगा। कलर्स भाई, क्योंकि पुलिस लाइट्स इसमें लगने वाली, तो ब्लू और राइट के लिए रेड। हाँ अब सही है, आ जाते हैं डिज़ाइनिंग में, काफ़ी मज़ा आएगा। अभी से देख लो अभी ये कैसी है, और थोड़े देर बाद देखना ये कैसी हो जाती है। हाँ गाइस, तो मुझे सबसे पहले इसमें ब्लैक एलिमेंट ऐड करना है नीचे साइड पे। हाँ इतने एरिया में ठीक है, थोड़ा सा और इसे अगर ऐसे कर दिया जाए, और इसे एक्सटेंड करना है पूरे फ्रंट साइड से ये बैक तक जाएगी। एक साइड पर हो चुकी है, तो सेम टू सेम दूसरे वाले साइड से भी। ओके, तो इस साइड पर भी कर दिया, अब सेम टू सेम अगर आगे में हो जाएगी, परफेक्ट निसान। हाँ तो निसान ऐड हो गया यहाँ पर, डन कर दिया। ओके गाइस, जैसे मैंने निसान सामने साइड पे लिखा था, वैसे ही सेम टू सेम इस साइड पे लिख दिया, और अपनी कार का नाम निसान टॉमिका, जो इस एडिशन की कार बनने जा रही है, उसका नाम यहाँ मेंशन कर दिया मैंने। मैं बता रहा हूँ गाइस, ये कार काफ़ी शानदार, बहुत मस्त बनने वाली है। एक वाइट एलिमेंट ऐड किया यहाँ पर, इसके ऊपर 50th एनिवर्सरी लिखना है, उसे ऐड करता हूँ। टिट तो मैंने अच्छे से ऐड कर दिया, 50 लिख दिया आराम से, और अब लिखना है यहाँ पे भाई एनिवर्सरी। तो इस साइड पे 50th एनिवर्सरी हो गई बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे एक मैंने रेड एलिमेंट दे दिया है, जापानीज वर्जन है, उसे मैंने देखा था, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसे। ये जो मैंने टॉमिका लिखा है, इसे भाई जापानीज लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं। इसे शॉर्ट थोड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। लोग को वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अगर ऐसी कार बनानी है, डिज़ाइन करनी, बिल्कुल देख के कर सकते हो, बहुत ईजी है, आराम से देखो। ओके गाइस, तो एक और एलिमेंट मैं ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स, यहाँ पे GT और R आना भी बाकी है। यहाँ पे आ चुका है V8 ट्विन टर्बो, इसे ऐड कर देता हूँ। ये साइड तो ऑलमोस्ट क्लियर है, ये साइड काफ़ी अच्छी भी लग रही है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब मैं रियर साइड आ गया हूँ, यहाँ पे एक मैं बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ क्रिएट करने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले एक वाइट एलिमेंट लेना है इतना, इससे भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो एक सेम टू सेम बिल्कुल एक और एलिमेंट लेना है रेड कलर का। ओके, तो इसके बाद अपना वही स्पेशल टेक्स्ट इसे ऐड करना है इस रेड वाले एलिमेंट पे। ओके, इतना हो गया। इसके बाद तो 50 ऐड हो गई है, अब DH भी तो ऐड करना होगा, तभी तो 50th होगी। ओके, तो जैसा दूसरे साइड पे था सेम टू सेम इस साइड पे भी मैंने एक लगा दिया है। एक नीचे वाले को भी कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, इस साइड पर करा था वैसा इस साइड पर भी कर लिया। और एलिमेंट भी ऐड हो गया इसी के साथ, ये आ गया GT, ये आ गया R, इस साइड पे कंप्लीट, इस साइड पे कंप्लीट, बस अब सामने और टॉप पे थोड़ा काम है, रियर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। उसके बाद पुलिस लाइट्स लगा के फुल निसान GT-R अपनी रेडी हो जाएगी। मैं आपको वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि पुलिस लाइट्स कैसे लगाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अच्छी लग रही है वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर लेना वीडियो को। ओके, तो ऊपर साइड पर थोड़ा खाली था तो मैंने ऊपर 50 ऐड कर दिया है। ओके गाइस, तो ऊपर में ये वाला काम भी हो चुका, ऊपर में ऐड कर लिया मैंने, अब अपनी कार रेडी है, पुलिस लाइट्स लगाने हैं, बस बाकी काम कंप्लीट है इसमें। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बना देते हैं, बिकम ए पुलिसमैन। इस पर क्लिक करा, फटाफट से पेमेंट करता हूँ, लेट्स गो गाइस। इसी के साथ निसान GT-R में पुलिस लाइट लग चुकी है, ये वाली 8 नंबर वाली काफ़ी सही है, 100 लगा सकता हूँ मैं चाहूँ तो इसको। इसे मैं कर रहा हूँ यार, 8 नंबर वाली मैं बाई कर रहा हूँ। एक तो ये कर लिया, ऊपर से एक 8 नंबर वाली करूँगा, परफेक्ट। ये देखो मज़ा आ जाएगा भाई, अब परफेक्ट हो गया बिल्कुल, बस अब रेडी है निसान GT-R रोड्स पे जाने के लिए। जल्दी से लेके निकलते हैं इसे रोड्स पे, भगा के देखते हैं, ऑनलाइन जाएंगे, बंदों के रिएक्शंस लेंगे, देखते हैं। मैं बहुत
इंटरेस्टिंग नंबर प्लेट बना रहा हूँ, थोड़ा सा काम इसमें और बाकी है, उसके बाद मैं आपको इसे दिखाता हूँ। लेट्स गो। नंबर प्लेट बिल्कुल तैयार है, इसे मैं फ्रंट में लगा दूँगा। ये देखो फ्रंट में लगा लिया, अब बारी है इसे मल्टीप्लेयर में लेके और रोड्स पे लेके निकलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फुल रेस काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। वीडियो कैसी लगी, मॉडिफिकेशन कैसी थी मेनली, ज़रूर से बताना, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, गुड बाय।